मेरे दर्शकों को नमस्कार। बिग बॉस देखने वाले दर्शकों के लिए हम एक ब्रेकिंग न्यूज लेके आए हैं। जो मधुरिमा है वो बिग बॉस के घर से एविक्ट हो चुकी है। सलमान खान आज अंदर घर पे जाएंगे, अपने साथ ही उसको साथ में ले आएंगे बाहर। ये भी हो सकता है कि उसको किसी और तरीके से एविक्ट करें, लेकिन ये तो फाइनल हो चुका कि वो एविक्ट हो चुकी है। वो आपको भी पता है कि वो कैसे क्यों हो सकती है, क्योंकि एक तो उसकी वोट्स बहुत कम थी, उसको चाहने वाले उसको देखना पसंद नहीं कर रहे थे, आजकल कम हो रहे थे दिन ब दिन। उसकी नेचर, उसका स्वभाव की वजह से वो सबसे दूर होती जा रही थी। बाकी उनका जो आपस में 36 का आंकड़ा, वो भी सभी को पता है वो सही नहीं था। वो सच्चा प्यार नहीं वहाँ पे, दोनों में प्यार नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। समझ भी आता है हमें, फील भी हम करते हैं उनको, बाकियों को भी फील करते हैं हम, उनका समझ आता है। सबसे पहले जो जिसका समझ आता है वो है सना और शहनाज और सिड। शहनाज है जो, वो सिड को बहुत सच्चा प्यार करती है, ये देखने को लगता है। सिड भी प्यार करता है उसको, ये भी लगता है, लेकिन अंदर उसके उनके क्या चल रहा है इसके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते। जो सामने देखने में लग रहा है ना, वो तो सच्चे में प्यार लग रहा है। बाकी जो सिद्धार्थ और माहिरा शर्मा है, उनका भी लगता है कि बहुत प्यार हो सकता है उनमें भी। ये भी हो सकता है कि वो दिखावे के लिए कर रहे हो, या बिग बॉस में टिकने के लिए भी कर रहे हो सकते हैं, क्योंकि बाहर उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो भी बोलती है, वो कपड़े भी भेजती है उसके लिए, शूज़ भेजती है, वो बोल भी रही होती है कि मेरे कपड़ों की वो कीमत पा रहा है। ये नहीं कह रहा है कि वो किसने भेजे हैं, वो कहता है बहुत महंगे शूज़ हैं ये तो मेरे, ये मेरे कपड़े बहुत महंगे हैं। उनको महंगे बोल रहा है, लेकिन वो मेरा नाम नहीं बोल रहा वहाँ पे कि किसकी वजह से महंगे हैं, उनको रेट के हिसाब से महंगे लगा रहा है। तो वो इस चीज़ को बोल रही है बार बार, और वो भी कन्फ्यूज़ है, उसकी वाइफ गर्लफ्रेंड भी बाहर, ये पता नहीं ये सच में वाकई उसके प्यार में है या फिर इस बिग बॉस में टिकने के लिए ये कोई इसकी अपना कुछ गेम चल रही है। वो खुद बेचारी कन्फ्यूज़ है, बाहर आके वो कह रही है कि बाहर आएगा तो पता चलेगा बीच वाकई क्या बात है, क्योंकि रात कहते हुए सुनाई दिया हमें। कल के एपिसोड में हमने देखा पारस मेहरा को बोल रहा है कि मैं तो तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, शादी करोगी मुझसे? तो वो कह रही है कि नहीं, शादी तो नहीं हमारी हो सकेगी, क्योंकि हमारे विचार नहीं मिल रहे, हमारी जो ईगो है वो क्लैश हो सकती है आगे आके। तो हम कभी कभी, वो कहता है फिर मैं कहाँ से खाया करूँगा, मुझे चाय कौन पिलाया करेगा? तो वो कहती है कभी कभी मैं मिलने आया करूँगी आपको, तो आपको अपने हाथों से चाय पिला दिया करूँगी, लेकिन मुझे कौन खाना खिलाया करेगा? तो वो कहती है कोई बात नहीं, मैं तो मेरी मम्मी से ही खा लिया करूँगी, मेरी मम्मी मुझे खाना खिलाया करेगी। तो ऐसी बातों से लग रहा है कि उनका जो है प्यार वो यहीं तक ही सीमित है, बिग बॉस के बाद वो सिर्फ एक फ्रेंडशिप ही रह जाएगी उनकी। ठीक है, वो यहाँ पे भी दिखा रहे हैं, यहाँ पे क्लियर भी कर देते हैं बीच बीच में, ठीक है, कि ताकि हमें पक्का विश्वास ना बन जाए कि बहुत प्यार करते हैं, हमारा दिल भी नहीं तोड़ रहे वो, ताकि हमें भी मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं कि वो नहीं शादी करने वाले। ठीक है, उनका कोई ऐसी बात नहीं, जो चल रहा है उनका बहुत सही चल रहा है, वो भी रियल लग रहा है जो चल रहा है उनका। जो सिड है, सिद्धार्थ है, बहुत सिंसियर है, परफेक्ट मैन है, हर चीज़ से बहुत अच्छा आदमी है वो, एक सेंसिटिव है, एक उसका डिसेंट आदमी है, उसकी अलग पर्सनैलिटी उभरी हुई है। जो उसके साथ शहनाज गिल है वो थोड़ी चुड़बुड़ी सी है, वो अटेंशन ज़्यादा मांगती है उससे, तो वो जो सिद्धार्थ है वो दे नहीं पाएगा लाइफ में। वो थोड़ी रोमांटिक नेचर की है, वो चाहेगी रोमांस उनसे, वो रोमांस करेंगे नहीं ज़्यादा, नज़र आता है उनसे, क्योंकि सिंसियर पर्सन है वो। तो वो उनका वहाँ पे क्लैश जरूर हो सकता है लाइफ में, अगर शादी होती है तो वो लगता नहीं कि वो शादी उनकी परफेक्ट होएगी, निभेगी या लॉन्ग लाइफ चलेगी, क्योंकि लड़की को जो शहनाज है उसको पारस जैसा लड़का चाहिए, बिल्कुल पारस जैसा चाहिए। जो उसमें सिद्धार्थ है उसको भी कोई सिंसियर लड़की चाहिए, जिससे कि वो शादी कामयाब हो सके। ऐसे कामयाब नहीं होती शादी, अगर दोनों एक जैसे हों ना तभी शादी होती है, दोनों की सोच एक हो, व्यूज सेम हो, सब कुछ मिलता जुलता हो, तो जाके शादी कामयाब होती है। ऐसे कामयाब नहीं होती कि एक बंदा तो ज़्यादा सिंसियर है, एक बंदा बिल्कुल चुड़बड़ा है, उसके ऑपोजिट है, दोनों ऑपोजिट हैं। हाँ, यहाँ पर जोड़ी बहुत अच्छी लगती है। अब देखना ये है
कि शहनाज और सिद्धार्थ की शादी, सिद्धार्थ का रिश्ता जो जहाँ से पनपा है, जहाँ से बड़ा है, यहीं से पड़ा बड़ा है, बाहर जाके शादी इनकी हो पाएगी या नहीं। फिलहाल इतना ही और आप देखते रहें गल पंजाब दी टीवी, बात आपकी बात हम सबकी।